व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूं मैं थोड़ी अचीवमेंट के बारे में। तो जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में कोई मोबाइल का रिव्यू या कोई भी फीचर्स विचर्स के बारे में वीडियो नहीं है। यहां पर दोस्तों आपको पता लगे क्या होगा, ये वीडियो स्पेशली जो है ना दोस्तों सिर्फ आपके लिए है, मतलब माशाल्लाह जो हमारे सब्सक्राइबर्स है उनके लिए है। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि हम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारे चैनल ने 11,000 सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के वो दोस्तों आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर गाइस जनरली देखिए संडेज को तो हम वीडियोस डालते नहीं हैं, लेकिन फिर भी गाइस ये वीडियो तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इतनी वीडियोज़ हम डालते हैं रिव्यूज़ की, इन सब चीज़ों की, लेकिन आपके लिए वीडियो तो आनी चाहिए ना। यहाँ पर गाइस कुछ अचीवमेंट की बात करूँ तो पिछले 3 साल से जो है ना दोस्तों हमारा यूट्यूब का चैनल है, 2017 से मैंने दोस्तों चैनल ओपन किया था, मतलब चैनल तो 2012 में ही ओपन कर लिया था, लेकिन 2017 से दोस्तों मैंने उसको ऑपरेट करना शुरू किया। उसके बाद में फिर वीडियोस एक्चुअल में प्रॉपरली मैंने डालने शुरू किए। फिर उसके बाद में 10,000 व्यूज कंप्लीट होने के बाद में हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। फिर उसके बाद में यूट्यूब ने फिर से जो है ना वो चेंज कर दिया। उसके बाद भी दोस्तों हमने छोड़ा नहीं, हम कंटिन्यूसली वीडियोस डालते गए। और उसके बाद में फाइनली फिर से जो सेकंड माइलस्टोन रखा था यूट्यूब ने, वो भी दोस्तों हमारे चैनल ने कंप्लीट किया। और उसके बाद में फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। और आज दोस्तों ये सिचुएशन है कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद में 11,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के ऊपर, और साथ ही में तकरीबन 370 वीडियोस जो है दोस्तों अब तक हम अपने चैनल के ऊपर डाल चुके हैं। तो गाइस माशाल्लाह आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल और भी ज्यादा आगे ग्रोइंग है। इसी तरीके से प्लीज सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को आगे शेयर करते रखना। यहां पर देखिए दोस्तों कुछ लोग बोलते होंगे 3 साल में 11,000 सब्सक्राइबर्स, मतलब बस बोलते होंगे, ऑब्वियसली है कुछ लोग ऐसे, मतलब 3 साल में सिर्फ 11,000 सब्सक्राइबर्स लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको लगता है कि हाँ यार बहुत इजी टास्क है, एकदम आराम से हो जाएगा, आज चैनल खोल लो, कल वीडियोस डाल लो, परसों चैनल फेमस हो जाएगा। लेकिन जो काम करता है उसी को पता होता है। वो तो हिंदी में कहावत आपने सुनी होगी कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। तो 3 साल से दोस्तों हमने कितनी मेहनत करी है, कितनी लगन से हमने काम किया अपने चैनल के ऊपर, तो ये सिर्फ मेहनत करने वाला ही जानता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। यहाँ पर गाइस देखिए इस वीडियो में मैं जो हूँ ना एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, और उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा जनरली अपने कंटेंट के ऊपर। वैसे आपको तो मालूम ही है कि हमारे चैनल का जो ना वो एक टेक्निकल कंटेंट है। अब इसमें जो ना दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर जो ज्यादातर वीडियोज आती है वो जो मोबाइल लॉन्च नहीं हुए उनके लीक्स और रूमर्स के बारे में ज्यादातर वीडियोज आती है, या तो फिर कोई दूसरा कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वो उस तरीके की वीडियोज आती है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि शुड यू बाय दिस फोन और नॉट, मतलब आपको ये फोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो फोन लॉन्च हो गया है। अब यहां पर देखिए दोस्तों ज्यादातर लोग जो डिसलाइक करते हैं हमारे वीडियो को वो इसलिए डिसलाइक करते हैं क्योंकि हमने जो है ना वो डिवाइस नहीं दिखाई वीडियो में, मतलब हम रिव्यू लिखते हैं लेकिन वीडियो में डिवाइस नहीं होता। तो यहां पर देखिए दोस्तों उन लोगों को मैं सिर्फ यही चीज बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं एक एक डिवाइस को दिखा के जो ना उसका रिव्यू दे सकूं। जो भी डिवाइस दोस्तों हमारे हाथ में होता है उस डिवाइस का रिव्यू मैं प्रॉपर आपको देने की कोशिश करता हूं, और जो डिवाइस नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसके रिव्यूज मैं आपको इसी तरीके से बताता हूं। अब यहां पर देखिए गाइस एक चीज आपको समझने की यह है कि जो अनबॉक्सिंग करता है इंसान और जो अपने रिसर्च के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन आपको देता है, जो नॉलेज देता है, दोनों में दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि अनबॉक्सिंग करते टाइम तो आपके पास में डिवाइस रहता है, तो अगर आप कोई भी फीचर समझा रहे हो तो सामने से आप डिवाइस को दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखो इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन गाइस जब उसी चीज के ऊपर रिसर्च की जाती है तो उसमें ज्यादा मेहनत होती है, ज्यादा हार्डवर्क होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और प्रूफ लेना पड़ता है कि हाँ भाई सही में ये फीचर इस डिवाइस में अवेलेबल है या नहीं है। और सिर्फ एक ही जगह से दोस्तों उस फीचर को नहीं देखा जाता है, आपको काफी सारी जगह पर जाकर जो है ना उसकी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूंगा दोस्तों अनबॉक्सिंग से ज्यादा मेहनत जो है ना वो एक रिसर्च करने वाली वीडियो में होती है, जहां पर एक यूट्यूबर आपको रिसर्च करके इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए गाइस अगर हमारा चैनल और ज्यादा बड़ा होगा आपके दुआ प्यार और सपोर्ट से इंशाल्लाह, तो वहां पर जो है ना जरूर से डिवाइसेस भी दिखाना शुरू करेंगे। और गाइस देखिए मैं अपनी वीडियो में जो है ना क्लिकबेट भी नहीं करता हूं, बल्कि काफी सारे लोगों ने जो है ना दोस्तों मेरे को यह चीज भी एडवाइस करी थी कि एटलीस्ट आप क्लिकबेट क्या करो, लेकिन गाइस मैंने उसको भी अवॉइड किया। मैं क्लिकबेट भी नहीं करता अपनी वीडियो में, ज्यादातर लोग गाइस अनबॉक्सिंग लिखते हैं और अनबॉक्सिंग लिखने के बाद में अपने वीडियो में जो है ना वो डिवाइस को दिखाते हैं नहीं। और इसके बाद में कुछ लोग को तो मैंने ये भी देखा हूं कि वो टेक्निकल गुरुजी का थंबनेल डालते हैं और उसके बाद में फिर अपनी वीडियो बना के डालते हैं। तो गाइस इस तरीके की क्लिकबेट भी जो ना वो हमारे चैनल के ऊपर नहीं होती है। अगर मुझे रिव्यू देना होता तो मैं प्रॉपरली रिव्यू लिखता हूं डिवाइस का कि मुझे ये डिवाइस का रिव्यू देना है, ताकि पढ़ने वाला भी जो ना वो ऑब्वियसली गलत नहीं समझे कोई मैटर को। तो बस गाइस बोलने की बात तो सिर्फ इतनी ही है कि अगर आप इन
इंशाल्लाह दुआ करेंगे, प्यार करेंगे और ज़्यादा, तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। और उस टाइम पे दोस्तों ज़रूर से मैं हर एक डिवाइस का जो भी रिव्यू दूंगा तो उसमें मैं आपको डिवाइस भी दिखाऊंगा, स्मार्टफोन भी दिखाऊंगा सामने से। तब तक के लिए बस मैं क्या बोल सकता हूँ गाइज, आप बस सपोर्ट करते रहिए प्लीज़ इस तरीके से। अभी 11,000 पार हुए, फिर इंशाल्लाह 15,000, फिर 20, फिर मिलियंस। बहुत बड़ा सपना है यूट्यूब के ऊपर, क्या कर सकते हैं अभी देखते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अभी तक लास्ट तक देखा होगा यहां पर, और आप अभी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फिर से हमारे चैनल को। और ऑब्वियसली अगर आपको भी कोई ना कोई मोबाइल के ऊपर कुछ रिव्यू चाहिए या नया मोबाइल है जिसके ऊपर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो है ना कमेंट्स कॉलम में मुझे ज़रूर से बताना, तो मैं इंशाल्लाह उस डिवाइस को पिक करके उस पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ज़रूर से दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।